शयनमस्तु तहस्तं च नन्दे आनन्दे मा चेयनिनन्देशा परमितत्ते पदवेन्दे पौ नमियो सिद्ध शोभा गुरुवे श्री गोपतिरुई गोपति ज्ञान शहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धर्म च्युत जिनवरे अर्थ अर्थ जो मैं विनाश भव जो ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धन को साक्षी को वारंबार नमस्कार। श्री धर्म दीप्ति फूल गाथा से अपन दो कार्यक्रम मंगल चरण के रूप में लेंगे। धर्म जो तो जिने ममल ज्ञान पलो अर्थ अर्थ भेरो मुनि लखन रूप संयुक्त ममल ज्ञान सहकार भय विनाश तमयुक्त। बोलिए धर्म दीप्ति फूला गाथा की जय हो जय हो जय हो। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। सदगुरुवर श्रीमद जैन तारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान रस था यह श्री भय के अपने ममल पावर जी ग्रंथाधिराज जहाँ श्रीमद जैन तारण तरण देव हमें धर्म दीप्ति फूलना का उपदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अंतर ज्ञान में विज्ञान में अपने आत्म स्वभाव की ज्योति जला अर्थात वस्तु स्वभाव रूप धर्म को जानो। क्यों जानो क्यों जानो क्यों जानो क्योंकि वस्तु स्वभाव रूप धर्म को जानोगे तो ही ये कर्म मिलाएंगे। बिना धर्म के कर्म छे नहीं हो। यदि आपको हमें यदि कर्मों को छे करना है कर्मों का नाश करना है एक ही उपाय है दूसरा कोई उपाय नहीं वो है धर्म। वस्तु का स्वभाव कहो धर्म कहो चेतना कहो ज्ञायक भगवान आत्मा कहो यदि आपको और हमें वास्तव में कर्मों को छय करना है संसार के जन्म मरण से मुक्त होना है अनादि अनंत काल से जो संसार परिभ्रमण चल रहा है अनादि काल से जो 84 लाख योनियों का परिभ्रमण चल रहा है यदि इस परिभ्रमण से छूटना है यदि छूटना है तो क्या करना पड़ेगा धर्म दीप्ति क्या करना पड़ेगा धर्म की दीप्ति अर्थात धर्म क्या है ऐसी दीप्ति ऐसा प्रकाश अर्थात ऐसे सम्यक ज्ञान पूर्वक ऐसे वस्तु स्वभाव का यथार्थ निर्णय करना पड़ेगा
कि वास्तव में धर्म होता क्या। यदि अपन देखो एक अनादि काल से क्या परंपरा चल रही है कि अपने को जो लौकिक धर्म मानने में आया, जो संसार में अपन ने धर्म देखा उसी को धर्म मानने लगा। जैसे आप लोग कह रहे हिंदू भी धर्म है, मुस्लिम धर्म है, कहले सिख धर्म है, कहले ईसाई धर्म है, कहले के जैन धर्म है, कहले सभी धर्म है। अपने अपना धर्म नहीं, अपने अपने मतलब ना, जिसको जो मान्यता में आया उसने उसे धर्म मान लिया। और इसके बाद भी यदि कोई जैन हो गया, हिंदू हो गया, तो उनकी जो परंपराएं है उनकी भी अलग धर्म मान लिया। अब जैनों में 50 परंपराएं है, 50 भांति के लोग है, 50 प्रकार की पूजा है, 50 प्रकार की क्रिया है। तो क्या करने लगा कि जिसके पास जो पूजा पद्धति है, जिसके पास जो क्रिया है, उसमें उसी को धार मान। श्वेतांबर अपने मानते हैं, श्वेतांबर में सात भेद, वो सातों अलग अलग। दिगंबर अपने मानते हैं, उनमें 25-30 भेद हो गए कम से कम, उनकी अलग अलग अलग। मोक्षु में अलग और तारणपंथियों में ये भी 2-3 हो गए। तो हर व्यक्ति अपने अनुसार, अपनी अंतर मान्यता के अनुसार अपनी अपनी पूजा करने में व्यस्त है कि नहीं। हर कोई अपनी अपनी पूजा करने में, अपने अपनी स्तुति अपने अनुसार जो जैसा मान रहा है वो वैसी मान्यता करके और अपने अनुसार धर्म को मान रहा है। लेकिन ये सब ये जितना दिख रहा है ना, ये सब धर्म है ही नहीं। तो अपन ने बचपन से पढ़ा धर्म जगत में होता, ये जितना जो कुछ भी दिखाई दे रहा है अपने को, जाति संप्रदाय मत और ये बाहर की क्रियालू, जितना भी आडंबर भाव दिखाई दे रहा है, आचार्य भगवान कहते हैं ये धर्म है ही नहीं। तो वास्तव में धर्म है क्या ये जानना है तो आप तारण तरण देव के शरण में आए, गुरु महाराज के शरण में आए। देखो आपकी जो बाहर में वर्तमान की भूमिका है, घर में, गृहस्थी में, सहयोग में, वैसा परिणमन तो होगा। आपकी जो भूमिका है उस अनुसार परिणमन तो होगा, लेकिन धर्म कैसे कहते हैं, धर्म क्या है ये देखते हैं अपन। तारण समय कहते हैं गाथा नंबर 17, जरा वो कारिका नंबर 17, 70, 1-7, ठीक है। गाथा नंबर 17 अपन अच्छे भगवान से पढ़ेंगे। यहाँ तारण स्वामी अंतरात्मा की अपनी स्वयं की, यदि जीव अपनी स्वयं की दृष्टि से अपने स्वभाव को देखे तो अपने आप ही पर्याय परिणमन क्या हो जाएगा, अपने आप बिला जाएगा। यदि जीव अपने अंदर में अपने स्वभाव को देखे, अपने भीतरात्मक तत्व को स्वीकार करे तो अपने आप ही पर्याय भाव अपने आप ही बिलाएगा। देखो क्या कहते हैं अच्छे भगवान से पढ़ेंगे गाथा नंबर 17। इतना गजब का तारण स्वामी का विज्ञान जो है, साधना परत जो तारण स्वामी का जो विज्ञान है वो कितना गजब का है। आप देखो कि तारण स्वामी जो विज्ञान देते हैं, गुरु महाराज जो विज्ञान देते हैं, वो विज्ञान कितना गजब का, क्या गजब की बात कह रहे हैं उन्होंने, क्या मार्के की बात कही, एकदम कितनी शुद्ध बात कही। यदि आप इस बात का अनुभव करो तो देखो तारण स्वामी क्या कहते, क्या कह रहे हैं तारण स्वामी कि हे भव्य आत्मा, देखो कितनी दर्शु गली, दर्शु गली मतलब पता, दर्शु गली मतलब है? देखो दर्शु गली जिन दर्श धरियु, सीधा अर्थ है। क्या अर्थ है? दर्शन गली वाले दर्शन मुआन कर सकता जिन धर्म यानी जिन भगवान की, देखो स्पष्ट लिखा है दर्शु गली, मिथ्या दर्शन गल जाएगा, अज्ञान दर्शन गल जाएगा, मोहिनी कर्म का जो है दर्शन मोहिनी गल जाएगा,
सारा जितना विकार में दर्शन है, जितना अशुद्ध दर्शन है, वो सारा का सारा दर्शन गल जाए। कब गल जाएगा आनंद स्वामी? जब अपना भव्य जीव, जब अपना जीव क्या करेगा, जिनेन्द्र भगवान ने जो वीतराग में दर्शन कहा है, जिनेन्द्र भगवान की वाणी में जो शुद्ध दर्शन की बात आई है, देखो लिखा है, जिनेन्द्र भगवान ने जो शुद्ध दर्शन कहा, जिनेन्द्र भगवान ने जो वीतराग तत्व कहा है, जिनेन्द्र ने जो पदार्थों का स्वभाव कहा है, यदि कोई भव्य जीव जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे हुए, उनके द्वारा कहे हुए तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करेगा, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे हुए तत्वों को यथार्थ मान्यता में लेगा, जिनेन्द्र भगवान ने जो अपना वीतराग अंतरात्मा स्वभाव कहा है, इस स्वभाव को जो अनुभव करेगा, जब अपने वीतराग स्वभाव की अनुभूति करेगा, उस भव्य जीव का मिथ्या दर्शन गल जाएगा। और याद रखो जीवात्मा, जब तक मिथ्या दर्शन नहीं गलेगा, जब तक मोक्ष जैसी कोई वस्तु उत्पन्न नहीं। ये बात पक्की है, एकदम 100% है कि जब तक जीवात्मा तू सम्यक को प्राप्त नहीं करेगा, स्वभाव को अनुभव नहीं करेगा, जब तक मुक्ति की प्राप्ति होने वाली नहीं। तो देखो कितना सटीक कह रहे हैं तरण संत, कितनी स्पष्ट बात है, कितना स्पष्ट है वस्तु का स्वभाव। क्या कह रहे हैं कि हे जीवात्मा, दर्शु गली, दर्शन गलेगा, दर्शन क्या, दर्शन में गलेगा, क्या गलेगा कि ना, जो मिथ्या, जो राग, जो मोह है, जो कर्तत्व, जो भोक्तत्व, इन मिथ्या मान्यताओं से जो तुम्हें दर्शन होता है, आदर्शन, दर्शन आदर्शन, राग की भावना से, देश की भावना से, मोह की भावना से, कर्तत्व की भावना से, जो आदर्शन का भाव प्रकट होता है, मतलब कैसा भाव प्रकट होता है, हमारे अंतर से ही वस्तु के स्वभाव का विरोध होता है। जैसे जैसे हमने कोई सुंदर वस्तु देखी तो हमें ये ग्रहण करना है, तो हमें ये सुंदर वस्तु ग्रहण करना है, ये भाव आया तो हमने उस वस्तु के स्वभाव का विरोध किया। क्यों विरोध किया? क्योंकि हमें वो जो सुंदरता दिखी है वो उस समय की अवस्था है, और उस पर्याय को ग्रहण करने का भाव आया, हमें उस सुंदर रूप पर्याय को, सुंदरता की पर्याय को ग्रहण करने का भाव आया, तो अब जो सुंदरता की पर्याय को अब उस सुंदरता की पर्याय को ग्रहण करने का जो भाव अपने अंतर में आया है, वो उस वस्तु का विरोध है। क्यों है विरोध बताओ, क्यों विरोध? देखो कितने सारे कारण है, एक तो वो जैसे वस्तु की पर्याय दिख रही ना, वैसी वस्तु है नहीं, वो परिवर्तनशील है, और वो जो सुंदरता है ना, वो क्षणिक है, थोड़ी देर बाद वो सुंदरता मिला जाएगी, और उस सुंदरता को मेरा जीव ग्रहण कर नहीं सकता, उस सुंदरता को मेरा जीव ग्रहण कर नहीं सकता, क्योंकि वो रूप आदि वर्ण आदि मेरे आत्मा का स्वभाव है नहीं। बताओ, जैसे ही आपने किसी अच्छी वस्तु को देखा या किसी अच्छे पदार्थ को देखा, उस पदार्थ को देखते ही आपको ये भावना आ गई, क्या भावना आ गई, अरे ये पदार्थ कितना अच्छा, ये पदार्थ तो मुझे चाहिए, ये गुलाब जामुन मुझे खाना है, ये वस्तु मुझे चाहिए, ये वस्तु मेरी है। यदि उस द्रव्य को देख के, उस वस्तु को देख के, उसकी पर्याय को देख के यदि उसे प्राप्त करने की भावना आई, तो क्या हो गया, ये वस्तु का विरोध। और ये तारा स्वामी कह रहे हैं, दर्शु गली जेने दहसे धरी, क्या कर जाएगा कि वस्तु को देख के वस्तु का विरोध करने की जो भावना, आदर्शन की जो भावना आती है, मिथ्या दर्शन की जो भावना आती है, मोहे की जो भावना आती है, गली, वो गलेगी। क्या गलेगी? वस्तु का विरोध करने की जो भावना आती है, वस्तु को अपन जो विरोध कर रहा है, वस्तु की जो सत्ता का अपन विरोध कर रहा है, वो विरोध भावना बिलाएगी, और क्या प्रकट होगा, जिन्हें दर्शे धरियो, क्या प्रकट होगा, अपना अंतरात्मा, अपना जो वीतराग स्वभाव है, अपना जो गायक पदार्थ है, वो अपने दर्शन में प्रकट हो जाए, या ऐसा कहें जिनेन्द्र भगवान के वचनों का दृढ़ श्रद्धान हो जाएगा, मिथ्या दर्शन की सारी मान्यता है मिट जाएगी। कब? जब अपन उस वस्तु को, उसके स्वभाव से, भगवान के
वचनों अनुसार उस उन वचनों को धारण करेंगे या फिर अपने स्वभाव पे दृष्टि रखेंगे, अपने भीतराग स्वभाव को धारण करेंगे, अपनी दृष्टि में अपने ज्ञायक स्वभाव को देखेंगे, तो आदर्शन वस्तु का विरोध करने वाली जो अश्रद्धान की शक्ति है, ध्यान रखना ये बहुत ऊंची बात है, यथार्थ द्रव के स्वभाव का विरोध करने वाली, भगवान के वचनों का विरोध करने वाली जो अश्रद्धान की परिणति है, राग और मोह की परिणति है, उस परिणति का सर्वत्र नाश हो जाए, वो परिणति उत्पन्न नहीं होगी, गल जाएगी। किसको गल जाएगी, किसको गल जाएगी बताओ, किसको गल जाएगी? जिन जिन लिखा ना, जिन 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 दर्श धरियु, जिसकी दृष्टि में भगवान के वचनों का दृढ़ श्रद्धा, या जिसकी दृष्टि में जिनेन्द्र भगवान का शासन होगा, मोक्ष मार्ग होगा, उसकी दृष्टि से वस्तु का विरोध करने वाली जो परिणति है वो गल जाएगी। अब चाहे वो राग की हो, चाहे मोह की हो, चाहे कसाई की हो, चाहे पाप की हो, चाहे प्रपंच की हो, चाहे पुण्य की हो, चाहे शुभ क्रिया की हो, चाहे अशुभ क्रिया की हो, जो भी हो, वो सारी की सारी विपरीत धारणा गल जाएगी। कब गलेगी? इतने बार बताने के बाद जवाब नहीं है, कब गलेगी? अरे कभी तो बहुमान करा करो रे, तारण स्वामी जैसा मार्ग बताने वाला कोई नहीं है, ऐसी साधना बताने वाला कोई नहीं है। ये जीव आत्मा आपकी और हमारी परिणति जिन शासन का विरोध कर रही है, आपकी और हमारी परिणति द्रव के स्वभाव का विरोध कर रही है। कैसे कैसे विरोध कर रही है? हमारी और आपकी परिणति भगवान के शासन का विरोध कैसे कर रही है, द्रव स्वभाव का विरोध कैसे कर रही है? आपकी और हमारी दृष्टि एक एक समय की पर्याय को, धन को, दौलत को, पुत्र को, परिवार को, पर द्रव को ग्रहण करने की, या पर द्रव को मेरा मानना ही ग्रहण करना है। किसी को अपना मान रहे हो, किसी से राग कर रहे हो, तो उसे ग्रहण करना है। यदि मेरी परिणति किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना को देख के, किसी पर्याय को देख के उसमें राग, द्वेष या अपनापने की मानता कर रही है, तो मेरी परिणति उस द्रव के स्वभाव का विरोध कर रही है। और जब तक मेरी परिणति उस द्रव के स्वभाव का विरोध कर रही है, तब तक मेरा दर्शन आदर्शन है। और जब तक ये आदर्शन है, तो तारण स्वामी कह रहे हैं जब तक मोक्ष नहीं होगा, जब तक मुक्ति नहीं होगी, क्या करना है? दर्शु गली, हमें संसार के राग आदि परिणामों का जो दृश्य दिखाई दे रहा है गलाना है। क्या करे तारण स्वामी? के लगे जिन दर्श धरियो, दर्शन करो, दर्शन को धारण करो। किसका दर्शन धारण करें? तुम्हारा वीतराग स्वभाव तुम्हारे हृदय में है, इसका दर्शन करो। तुमरो वीतराग स्वभाव तुम्हारे अंतर में है, क्या करे? वही को दर्शन करो। करने कि नहीं करने, करने कि नहीं, किसको? वो मान्यता की बात चल रही है, दृढ़ता से मानोगे तो दर्शन। और तुम कह दो हाँ भैया मंदिर में तो भगवान है और रोड पे शैतान है, तो नहीं। उपास तो हम करते हैं और क्या कहते हैं, रोटी हम नहीं बनाते, ऐसा नहीं, ना रोटी बनाते ना उपास करते, दो ही काम नहीं करते, ना पुण्य करत ना पाप, दो ही से चाहिए बिल्कुल। ये पुद्गल सो बसो भाव मेरा परिणाम है ही नहीं, फिर क्या कहे? वस्तु के स्वभाव का विरोध ना करे। कौन विरोध ना करे? हमारा हृदय, हमारा हृदय संयोगी भूमिका में राग आदि भाव आए भी, तो हमारा हृदय कहे, क्या हृदय कहे? कि राग देश की धारा मेरी चेतना से भिन्न है। कैसे कहे? जिन दर्श धरियु, जिनेन्द्र भगवान ने कहा है कि मेरी चेतना तो इस शरीर के विकल्पों से रहित है। अपनी स्व चेतना को जानोगे तो शरीर संबंधी विकल्प अपने आप छूट जाए। आई कि नहीं आ रही समझ में? आई तो आगे चलते हैं। दर्श गली जिन दर्शे धरियु, देखो आप देखो, दृष्टि गली जिन दृष्टि, वो मिथ्या दृष्टि गल जाएगी, वो गल जाएगी। कौन सी दृष्टि गल जाएगी? जिसमें घर दिखाई देता है, पुत्र परिवार दिखाई देता है, पुण्य पाप दिखाई देते हैं, शुभ अशुभ भाव दिखाई देते हैं,
कहने लगे वो दृष्टि गल जाएगी जिसमें संसार दिखाई देता है। दानव संत कैसे गल जाएगी, मजाक है क्या? कहने लगे देखो देखो देखो, दृष्टि गली जिने दृष्टि, दृष्टि जब जिनेन्द्र परमात्मा के वचनों अनुसार अपने द्रव्य के स्वभाव को देखोगे, जब शुद्ध तत्व की दृष्टि हमारे अंतर में प्रकट होगी, जब अपनी दृष्टि में अपना चैतन्य महाप्रभु गायक तत्व भगवान आत्मा होगा, तो तारा स्वामी कहते हैं दृष्टि गली, संसार को देखने वाली दृष्टि, पर पर्याय को देखने वाली दृष्टि, दिन रात संसार की माया, पुण्य पाप की माया को, ये माया के परिणाम को देखने वाली ये दृष्टि अपने आप ही गल जाएगी। कब गलेगी, कब गलेगी? जिन दृष्टि, जब तुम्हारी दृष्टि भीतराग दृष्टि तो हो, दृष्टि तो एक ही रहेगी, दो नहीं, दृष्टि में दो भेद नहीं, या तो शुद्ध या तो अशुद्ध, दो में से एक रहेगी, या तो वस्तु का यथार्थ स्वभाव रहेगा या तो वस्तु में मायाचारी रहेगी। ऐसा नहीं होएगो, कहा ऐसे नहीं होगो कि भैया अच्छे अच्छे काम हम कर ले और बुरे बुरे काम तुम कर लो, ऐसा नहीं होगा। या तो करता ही नहीं हूं और एक करता हूं, मिथ्या दृष्टि है, अगर सब ही करता हूं फिर नर्क निगोद सब तुम्हारा, स्वर्ग भी तुम्हारा, नर्क भी तुम्हारा, निगोद भी तुम्हारा, और यदि नहीं करता तो फिर कच्छु नहीं है, फिर आत्मा नर्क में रहा है, निगोद में रहा है, सिद्ध सलाह में रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मा तो वीतराग स्वभाव वाला है। तारण स्वामी सीधी बात कहना चाहते हैं, क्या सीधे कहना चाहते हैं, दर्शु गली, मिथ्या दर्शन गल जाएगा, कैसे गल जाएगा, जिन दर्श धरी, जब वीतराग स्वभाव का दर्शन धारण करोगे तो मिथ्या दर्शन गल जाएगा। फिर तारण स्वामी कहते हैं दृष्टि गली, मिथ्या रूप दृष्टि गल जाएगी, शरीर रूप दृष्टि गल जाएगी, संयोग रूप दृष्टि गल जाएगी। तारण स्वामी कैसे गल जाएगी, जब तुम जिन दृष्टि, जब तुम जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे सिद्धांतों को स्वीकार करोगे कि होता स्वयं जगत परिणाम, शरीर संयोग की व्यवस्था तो अपने कर्म जन्य चल रही है, लेकिन इससे भिन्न मेरा स्वभाव तो भीतरागमय है, दृष्टि में भीतराग का बनी रहे, भाव में नहीं आ रही कोई बात, दृष्टि भीतराग होना चाहिए, दृष्टि भीतराग होना चाहिए, मतलब अब जाओ राग देश के परिणाम तो चलेगा क्योंकि तो आवृत्ति की भूमिका में, लेकिन दृष्टि वीतराग होना चाहिए। अब पूर्ण वीतराग तो साधु जैसी तो नहीं होगी, लेकिन वीतराग दृष्टि कैसी होनी चाहिए कि वो दृष्टि अपने वीतराग स्वभाव को संजोती रहे, अपने ज्ञायक स्वभाव को अपने लक्ष्य में रखे रहे, अपने ध्रुव स्वभाव को अपनी मान्यता में पकड़े रहे, परिणाम ऊंचा नीचा होता रहेगा, परिणाम ऊंचे नीचे होते रहेंगे, अवस्थाएं अच्छी बुरी आती जाती रहेंगी, शुभ अशुभ भाव का संयोग वियोग होता रहेगा, निमित्त अच्छे बुरे मिलते रहेंगे, लेकिन दृष्टि में एक लक्ष्य बना रहा है, जिन दृष्टि मेरे अंतर में तो मेरा पूर्ण वीतराग ज्ञायक स्वभाव अभी इस समय विद्यमान है, ऐसी दृष्टि रहेगी तो दृष्टि गली, तो जो मिथ्या दृष्टि है, पर पदार्थ को देखने वाली दृष्टि है, पुण्य पाप के परिणाम को देखने वाली दृष्टि है, शरीर संयोग को देखने वाली दृष्टि है, वो मिथ्या दृष्टि गल जाए। पूरा मोक्ष मार्ग दृष्टि का है, तो अपन पढ़ते हैं दृष्टि विलास मुक्ति प्रवेश, यदि आपकी दृष्टि यदि उस वीतराग तत्व पे है तो कर्म पर्याय आएंगे जरूर, वर्तमान में सुखी दुखी भी होंगे, अच्छा बुरा भी लगेगा, शरीर में एकत्व है तो अभी सुख दुख की अनुभूति भी होगी, लेकिन जीव आत्मा सावधान, क्या सावधान, ऐसा परिणाम चलने के बाद भी जिन दृष्टि तुम्हें क्या देखना है, क्या देखना है, ऐसा परिणाम चलने के बाद तुम्हें क्या देखना है, ऐसा परिणाम चलने के बाद भी जिन दृष्टि तुम्हें अपनी अंतर आत्मा के अलावा को दिखाई देना नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व तो तुम्हारी ध्रुव त्रिकाली चेतन सत्ता ही है,
यदि अपने स्वभाव पर दृष्टि जमी रही तो ये राग आदि की परिणति आएंगी और चली जाएंगी, और मेरा ध्रुव काली ध्रुव स्वभाव मेरी नजर में बना रहेगा, तो इस ज्ञायक तत्व की दृष्टि का नाम मोक्ष मार्ग, ज्ञायक तत्व की दृष्टि का नाम मोक्ष मार्ग। उदाहरण देते ना कि चलती रहट में पानी पिलाना पड़ेगा, घोड़े को यदि पानी पिलाना है तो चलती रहट में पिलाना पड़ेगा, और यदि रहट रुक जाएगी पानी भी रुक जाएगा। ऐसे ही यदि इस मनुष्य भाव में आत्म कल्याण करना है तो घर पुत्र परिवार संयोग इनकी रहट चलेगी, और इनकी चलती हुई रहट में रोग होंगे, शोक होंगे, पीड़ा होगी, चिंता होगी, आकुलता होगी, जो अपन ने जीवन भर करा वो विकल्प आएंगे। लेकिन ये चलती हुई रहट है, और इस रहट में ही ये मनुष्य भाव भी है, संगी पंचेंद्री पने ही है, ये चल इस और संगी पंचेंद्री पने में अपने को जो प्राप्त हुई है इसमें अनंत कर्मों की रहट चल रही है, खड़ा पड़ खड़ा पड़, कभी राग कभी देश कभी शोक कभी अशोक, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल, भड़ा धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा लाइन से कर्म हाहाकार मचा रहे हैं। रहट से आवाज आती ना खट 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 खट, जिससे घोड़ा विचलित रहता है आवाज के कारण रहट। वैसे ही ये परिणमन, ये जो संयोग रूप परिणमन है, इसमें हाय 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 किल 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 ऐसी आवाज आती रही, कभी पुण्य का उदय होगा कभी पाप का उदय होगा, ये रहट ऐसी गोल गोल घूमती रही। तुम सोचो कि ये रहट रुक जाए, कर्मों की रहट है रुकने वाली नहीं है, लेकिन इस कर्मों की चलती हुई रहट में ही तुम्हें पानी पिलाना पड़ेगा। मतलब जिन वाणी का अमृत पान करके जिन दृष्टि अपने वीतराग स्वभाव को स्वीकार करना ही पड़ेगा, तो क्या होगा दृष्टि गली, तो अनादि काल की जो पर्याय दृष्टि है मिथ्या दृष्टि है उसका विनाश हो जाएगा, और ये आत्मा अपने सर्वत्र शाश्वत सत्व को प्राप्त कर ले। ऐसा मैंने नहीं कहा, किसने कहा? सर्वक भगवान की वाणी में आया है, और देखो तारणे तरण सहाउलई धाम इसी पर ऐसा कहने वाले हमारे तारण तरण गुरु महाराज तो है, वो हमसे क्या कह रहे हैं, ऐसे जिन स्वभाव की दृष्टि करके जिन दर्श धरियु जिन स्वभाव का दर्शन करके तारण तरण सहाओ लई, तुम अपने तारण तरण स्वभाव को प्रकट कर लो, अपनी अरियंत दशा को प्रकट करो, सिद्ध दशा को प्रकट करो, तारण तरण स्वभाव साधु दशा को धारण करो। भाई शरीर में ताकत नहीं है, अरे अंतर में तो तारण तरण स्वभाव लस रहा है कि नहीं, इसे अनुभव में तो लो। शरीर से तुम साधु नहीं हो सकते, दिगंबर नहीं हो सकते, अभी तुम अरियंत नहीं हो सकते, पंचम काल है, कोई बात नहीं, तारण तरण स्वभाव नहीं लिखा है। तारणे तरणे सहाउलई, क्या करो अपने अंतर में अपने तारण तरण स्वभाव को अनुभव में प्राप्त करो, लई इसको ले लो। कौन बांट रहा है, कौन बांट रहा है, कौन बांट रहा है, कह रहा भगवान की देवधोनी में आ रहा है, बांटने वाले सर्वज्ञ है, बताने वाले सदगुरु है, और क्या बांट रहे हैं, अपने तारण तरण जिन स्वभाव की अनुभूति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तुम लोग तो मिलेगी, प्रसाद करोगे तो मिलेगी, स्वीकार करोगे अपने स्वभाव की दृष्टि रखोगे तो मिल जाएगी। तो कह रहा है तारण तरण सहावे लई धम्म इष्टि परमेष्टि, क्या कह रहा कारण स्वामी कि जो ऐसे अपने धर्म स्वभाव को इष्ट मानेगा, धर्म इष्टि कि ऐसा वस्तु का स्वभाव, ऐसी मेरी अंतरात्मा, ऐसा मेरा शाश्वत गायक स्वभाव ही दिव्य प्रकाश में ही दिव्यमान गुणों का स्वामी है, शरीर की आदि व्याधि तो बाहर का संयोग है, लेकिन मेरे अंतर जगमगाता हुआ मेरा गायक स्वभाव तो धम्म इष्टि, ये तो इष्ट है, जो इसे इष्ट मानेगा परमिष्टि उसे परम इष्ट पंच परम पद प्रकार हो जाएंगे, वो अरियंत सिद्ध साधु आचार्य उपाध्याय इन महान पदों को धारण करके स्वयं मुक्ति को प्राप्त कर ले। धर्म से प्रेम करोगे तो पंच परमिष्टि पद प्रकार हो जाएगा, अपना परम पद परमेश्वर पद स्वयं का शुद्ध आत्म तत्व अनुभूति में प्रकार हो जाएगा। कब से काय से प्रेम करोगे, तो किससे, धर्म से,
वस्तु का स्वभाव, अपना जो गायक स्वभाव, इस धर्म से, इस चेतन लक्षण में आत्म स्वभाव से प्रीति करोगे तो अपना परम इष्ट परमेश्वर पद जगत के ईश्वर हो जाओगे, तीन लोक के नायक हो जाओगे, तीनों लोगों को झलकाने वाले परमेश्वर हो जाओगे। यदि परमात्म स्वभाव से प्रेम करोगे तो, धर्म से प्रेम करोगे तो, और क्रिया कांड से प्रेम करते रहोगे तो है? चलिए बताओ, क्रिया कांड से प्रेम करते रहोगे तो कहो एको? एक इंद्रिय पर्याय में जाकर सड़ो, अनंत अनंत काल तक एक एक अनुभव रह जाएगा, स्पर्शन इंद्रिय का अनुभव रह जाएगा, और जन्म मरण, जन्म मरण, स्पर्शन इंद्रिय से जन्म मरण के वेदन के अलावा और कुछ हाथ आने वाला नहीं है। कुछ भी कर लो, कभी विचार किया है कि एक इंद्रिय मात्र रह जाए, स्पर्शन इंद्रिय, और बाकी इंद्रिय ना हो, मन ना हो, और उसमें जन्म और मरण, जन्म और मरण, जन्म और मरण, एक सेकंड में 24 बार जन्म मरण हो रहा हो, तो क्या भयानक वेदना हो रही होगी वहां। अभी हाथ पांव का दर्द क्या है? कुछ भी नहीं है। यदि एक सेकंड में आप 24 बार जन्म ले रहे हो, मरण कर रहे हो, वो बिना मन सहित, मन तो छोड़ो, शेष चार इंद्रियों रहित मात्र एक इंद्रिय पर्याय हो, उस स्पर्शन इंद्रिय में ही एकत्र हो, उसमें 24 बार जन्म रहे हो, मरण कर रहे हो, क्या वेदना हो रही होगी? कितनी वेदना होगी? भाई कितनी होगी पता ही नहीं है, हमें नहीं पता। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, ऐसा लोग हमसे कहते हैं हो रही होगी, कहा हो रही होगी, कैसे पता लगे कहा होती है? तो ये स्पर्शन इंद्रिय तुम्हारे पास है, एक सुई लो और 24 बार कर ऐसे ऐसे भेद को उड़ा दो, चमचम के बाहर निकालो, फिर देखना। संगी पंचेंद्री, इतनी बड़ी स्पर्शन इंद्रिय होने के बाद एक हिस्से में यदि 24 बार सुई चुबा के निकालोगे तो इतनी वेदना होगी कि तुम सहन नहीं कर पाओगे। वो सोचो, वो पूरे स्पर्शन इंद्रिय में और बाकी है नहीं, निर्णय करने के लिए कुछ है नहीं, ना मन है, ना शेष चार इंद्रिय है, ना देख सकता उपयोग और कहीं जा नहीं सकता, ना चक्षु में जा सकता, ना कर्ण में जा सकता, ना घ्राण में जा सकता, ना नसर इंद्रिय में जा सकता, ना मन में जा सकता। अब उपयोग एक ही में स्थिर है क्योंकि इंद्रिय एक ही है। यदि बाकी होती, मान लो चक्षु इंद्रिय होती और हम इधर देख रहे होते ऐसे ऐसे कर लेते तो हाँ थोड़ा उपयोग यहाँ है, थोड़ा उपयोग यहाँ है। कर्ण इंद्रिय होती और बढ़िया हम गाने सुन रहे होते बढ़िया, वो कैसे निकलता, उसकी बात अपन अभी कर रहे हैं। उसके बाद भी यहाँ इतनी वेदना होने के बाद भी अपन इतनी वेदना यहाँ सहन कर रहे हैं। अपने पास कर्ण इंद्रिय होती तो गाना सुन के अपना उपयोग वहां लगा लेते और भैया ठीक अच्छू दर्द नहीं दिखाई देते। लेकिन मात कौन सी है? ना आंखों से देखने के लिए है, अच्छा अच्छा खा के उपयोग बदल लेते, अच्छा अच्छा बोल के बदल लेते, कान से देख के, या मन होता तो अच्छे अच्छे विचार कर लेते, भक्ति पढ़ लेते, पूजा पढ़ लेते, भेद ज्ञान कर लेते, तो उपयोग बदल लेते। लेकिन माँ एक ही है, माँ कोई चांस कि तुम उस वेदना से हट सको, उस पीड़ा से हट सको, इसके लिए अन्य कोई निमित्त भी नहीं है जीवन। अब क्या करने? वो बता रहे हैं, पहले तुम जा बताओ करने का। देखो भैया, हर जीव के परिणामों में षडगुना हानि वृद्धि होती है, और इस संसार में निमित्त ठसाठस भरे। अरियंत परमात्मा के शरीर से यदि कोई जीव उस समय स्पर्श करे, उसकी हीन कसाय का षडगुना हानि रूप परिणाम हो और उस शुभ लेश्या में वो एकत्र करे, तो गिजाई जैसी पर्याय में आके एक भाव में मोक जा सकता है। निकलता कैसे तुम ये बातें तो बाद में करना, पहले फालतू बातें हैं सब। तुम तो जा बताओ कि तुम अपने हाथ में जब वो सुई चुबाओगे तो उसकी वेदना तुम सहन नहीं कर पा रहे, और अभी सुन रहे हो कि निगोद में जाओगे तो एक सेकंड में 24 बार जन्म लोगे और मरण करोगे, उसके बाद भी आत्मा की सुराग नहीं आ रही। तारण समीकरण धम्म इष्टि परमेष्टि, तारण तारण देव कह रहे हैं कि अपना वीतराग चैतन्य में स्वभाव ही इष्ट है, और इसे परम इष्ट मानोगे तो पंच पद परम पद प्रकार हो जाएंगे, और ये आत्मा संसार के जन्म मरण से छूट जाएगा। अब जे बात समझ में आने के लिए, भाई निगोद से हम कैसे निकल के आए? कोई ना कोई निमित्त मिला है और भाड़ में चने की तरह उछला है,
खड़बूजे में चना गूंज रहा हो, एक आठ कोई उछट आए तो वो उसका भाग गई है, होना रही है, तो अपनी होनहार से निकल आए, अच्छी होनहार से निकल आए हो, तो अब तुम ये तो बताओ दृष्टि कहाँ है, प्रीति किससे कर रहे हो, किससे प्रेम कर रहे हो, हाँ पत्नी से, पति से, बच्चों से, धन से, कैसे, खावे से है, कैसे कर रहे हो, और अभी भी इन्हीं से प्रेम करते रहे, अभी भी इन्हीं को इष्ट मानते रहे, इनसे प्रेम करते रहे, जीवात्मा एक इंद्रिय पर्याय चले गया, वो परिणाम क्या होगा, हमने अच्छे उदाहरण से बता दिया कि मां से हट भी नहीं पाओगे, यदि तुम चाहो कि हम यहां से उपयोग हटा ले तो उपयोग इतना सूक्ष्म रह जाएगा कि उस एक स्पर्शन इंद्रिय की वेदना से हट नहीं पाएगा, और दुख 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 के अलावा और कोई अनुभूति, असाधा वेदने के अलावा कोई अनुभूति होगी नहीं, क्या करना है, अब यदि हम सिद्धांत की चर्चा करें तो निबोध में भी पुण्य का उदय भी होता है, पाप का उदय भी होता है, अब वो चर्चा करें निबोध में भी हीन ज्ञान अधिक ज्ञान और साता वेदने असाता वेदने का दोनों का एक साथ होते हैं, अब वो कर्णानियों की चर्चा करेंगे ना तो इतनी डीप हो जाएगी कि आधे लोग सब पटक लेंगे, उसके लिए आप अलग से बैठो तो हम आपको अलग से समझाएंगे कि महापुण्य का पर्ण बल भी बंद हो रहा है, पाप का बंद भी हो रहा है, निगोदीय जीव एक सेकंड में 24 बार जन्म मरण लेने वाले भी हैं, निगोदीय जीव लब्ध पर्याप्त एक सेकंड में जन्म मरण लेने वाले भी हैं, पर्याप्त भी है जो अंतर मुहूर्त तक जिनकी आयु है, तो उसके बहुत भेद प्रभेद है, कैसे निकलता है क्या निकलता है पूरी डिटेल से बताएंगे, उसके लिए अलग से आऊंगा, अभी यहाँ बताओ कि तारण स्वामी कह रहे हैं कि तुम्हें ये अपना वीतराग अमृत में जो ज्ञान कुंभ में चेतन में आत्मा है, तुम्हें ये इष्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा, ये बताओ, नहीं लग रहा ये तारक स्वामी कह रहे हैं दर्श गली जिने धसे धरी देश की गली जिने तारण तरण सहावलई, अरे मिथ्या दर्शन गलेगा जिन अपने वीतराग स्वभाव को दर्शन करोगे तब, अपने तत्व का सच्चा श्रद्धान करोगे कि मैं तो अरस रूपी आत्मा इस देह आदि के परिणाम से भिन्न हूं, तब मिथ्या दर्शन गलेगा, दृष्टि गली पर्याय दृष्टि गल जाएगी, संसार का कारण है कब, जिन दृष्टि जब वीतराग स्वभाव की दृष्टि उत्पन्न हो जाएगी, अरे जीवात्मा अब तो बहुत हो गया संसार में भटकते भटकते, तारण तरण सहाव लई, अब तो अपने तारण तरण स्वभाव को ले लो, अब तो इसकी अनुभूति प्रकट कर लो, गुरुदेव जगा रहे चेता रहे हैं कि तारण तरण स्वभाव को ग्रहण करो, धम्म इष्टि परमेष्टि, ये वीतराग धर्मी इष्ट है, इसकी धारणा से तुम पंच परम पद परमेष्टि पद को प्राप्त कर लोगे, यही अपने को परम सुख देने वाला है, जन्म मरण से छुड़ाने वाला है, इसकी धारणा से ही अनंत जीव मुक्ति को प्राप्त हुए हैं और होंगे, ऐसे मुनीश्वरों के वचन पढ़ तो अच्छे से लेते हो, मानो कि नहीं मानो, मानो कि नहीं, यही धर्म इष्ट है और इसकी धारणा से अनंत जीव सिद्ध सिद्धांत को प्राप्त हुए हैं और होंगे, यदि अपने को इस धर्म की धारणा है, इस वस्तु स्वभाव की धारणा है तो अपनी मुक्ति निश्चित। देखो अगली गाथा, दो गाथा अपन कम से कम ले रहे हैं, यदि इस गाथा में पूरा टाइम निकल जाएगा, अगली गाथा पढ़े जल्दी अच्छे ध्यान से, लख गली जिने लखो लखियो जिने अति काम सहाउ है विनाश भव जो मनाउ अमिये ममल सुहाउ लख गली जिने लखो लखियो जे
लखु गली संसार को जो लख रहा है अनुभव कर रहा है गल जाए या अनादि काल से जो संसार का लक्ष्य है अभिप्राय में ये है कि शादी करवा दूं बच्चों की मकान बनवा दूं या फिर मेरे घर के काम निपट जाए उसके बाद मोक्ष मार्ग पर चलूंगा। जो अनादि काल से संसार का लक्ष्य है या अनादि काल से जो इंद्रिय विषयों को लख रहे हो दोनों बात ले लो। लखु मतलब अनुभव होता है कि अनादि काल से इंद्रिय विषयों का अनुभव कर रहा हो। क्यों कर रहा हो? क्योंकि अभिप्राय संसार के सुख को प्राप्त करने का है, संसारिक कार्य करने का है। क्या कार्य करने का है? मकान बन जाए, दुकान बन जाए, बच्चा सेटल हो जाए, ये सही है कि नहीं? नाती पोते की क्या बोलते हैं परवरिश हो जाए, यही लक्ष्य है कि नहीं? यही लक्ष्य है ना, घर बन जाए, मकान बन जाए, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, उनकी व्यवस्था व्यवस्थित चले। लघु गली ये सारा मिथ्या अभिप्राय मिथ्या अनुभव गल जाए। काय से गल जाएगा गुरु महाराज? वो कह रहा है जब तुम रुचि जगाओगे आत्मा की, इसकी जब तुम अपने अंतर आत्मा में, जब तुम अपने जिन स्वभाव की जिन लखु लखी, जब तुम अपने जिन स्वभाव को अनुभव में लख लोगे, अरे मेरे अंतर तो सर्वत्र सुख है, तो परद्रव्य का मैं कुछ कर सकता हूं नहीं। जब तुम ऐसे जिन स्वभाव को लक्ष्य में ले लोगे, अपने अभिप्राय में ले लोगे कि मेरा स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा ही है, जब ऐसे जितेंद्रिय स्वभाव को लख लोगे तो संसार का अनुभव विला जाए। आत्म स्वभाव को लख लोगे तो शरीर का दर्द विला जाए। आत्म स्वभाव को लख लोगे तो परिवार की चिंता विला जाए। चैतन्य स्वभाव को लख लोगे तो दुनिया भर के विकार विला जाए। या इसको लखोगे तो सब खत्म। देखो लिखा है, मैंने नहीं लिखा, तारा स्वामी लिखा, लखु गले लखु लखी। जब ऐसे अभिप्राय में उस वितराग स्वभाव को लखने का भाव करोगे तो क्या मिलेगा? जिने अति काम सहा। क्या होगा? तुम इन सारे कर्मों को जीत लोगे। जिनेन्द्र समान पद प्रकट हो जाएगा, अरिहंत, जिन्होंने हरि मतलब शत्रुओं का अंत हनन कर दिया है, ऐसे ही तुम भी जिनेति जीतोगे। किसको जीतोगे? कम सहा। तुम भी इन कर्मों के स्वभाव को जीत लोगे। कब 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 कब? जिन जिन लखु लखी, जिन वचनों को लखोगे, भगवान की वाणी को लखोगे, तत्व को लखोगे, वस्तु स्वभाव को लखोगे, तो क्या होगा? जिनियति जीतोगे। काय पे जीतोगे? जिनसे अनादिकाल से हार रहे हो। किससे हार रहे हो अनादिकाल से? पता नहीं, कर्मों से हार रहे कि नहीं हार रहे? काय हार रहे हम? अरे संसार में जन्म मरण कर रहे, हार ही तो रहे हो। तीन लोक का नाथ मैं राग कर रहा हूं तो भाई हार गए। हमरो मन तो आत्मा में लगते ही, देश हो रहा है तो भैया मन से वो कसाई नहीं निकल रही, वो व्यक्ति दिन रात झूल रहा हो, कब मिल जाए, कब दो थप्पड़ लगा दूं, ऐसे भाव हो ही रहे, इसने मेरे साथ बुरा किया, वो देश पढ़ना भी चली रही है। तो तुम इन कर्मों के सामने हार रहे कि नहीं हार रहे? घुटने टेक रहे कि नहीं टेक रहे? भैया राग नहीं छूट रहा हो, द्वेष नहीं छूट रहा हो, मोह नहीं छूट रहा हो, कर्ता बुद्धि नहीं छूट रही, तो इन कर्मों के सामने घुटने टेक रहे कि नहीं टेक रहे? हमसे यदि हमारी कोई आदत नहीं छूट रही तो तुम उस आदत से हार रहे कि नहीं हार रहे? उस व्यसन से, उस पाप से, उस कसाय से हार रहे कि नहीं हार रहे? जैसे सास बहू की नहीं पट रही, काय नहीं पट रही? काय नहीं पट रही? हमें सीधे सीधे जवाब चाहिए। सास बहू की नहीं पट रही, काय नहीं पट रही है? सीधा जवाब दो, सीधा, घुमा फिरा के नहीं चाहिए, गोल गोल नहीं चाहिए, सीधा जवाब दो। सास बहू की नहीं पट रही, काय नहीं पट रही है? मायाचारी मत करो, काय नहीं पट रही? सीधी सीधी बात बोलो है?
सीधी बात यह है कि हमारे मान कसाई की पूर्ति नहीं हो रही, हमारे अहंकार की पूर्ति नहीं हो रही, बहु हमारे अनुसार नहीं चल रही है, सास हमारे अनुसार नहीं चल रही, हमारा अहंकार पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए सास बहु की नहीं पट रही। सीधी बात कहो, घुमा फिरा के मत कहो, गोल गोल मत घुमा, सीधी सीधी बात कहो कि हमारे मान कसाई की पूर्ति नहीं हो रही और हम थोड़ा सा समता भाव से झुक के रह सकते हैं नहीं, भेद ज्ञान हमारे पास है नहीं, सम्यक विचार हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम तो भाई दबा के रखेंगे या हम तो सास के सर पे चढ़ के ही बैठेंगे। तो हमारी मान कसाई, हमारी मान कसाई बल बला रही है तो सास और बहू की नहीं पड़ रही, अब क्या करें, क्या करें, हार ही तो रहे हैं ना कर्मों से। ऐसा नहीं कि माँ भेद ज्ञान करे, समता भाव करे, वो जीवन में 10-20 साल साथ रहना है, यदि इनसे ऐसे ही कसाई चलती रही तो 6 महीने तक हो जाए तो अनंतर बंदी और 20 साल तक चलेगी तो क्या बनेगी है, तो सही बताओ, 6 महीने तक चलेगी तो अनंतर बंदी और 20 साल तक साथ जिंदा रह गई और तुम बाग साथ रहे और 20 साल तक जो तुम्हारी कसाई चलेगी सास और बहू की, तो वो कौन सी बंधु होगी, चलिए बताओ, टाइम नहीं है, मर गए हम ये प्याली तो टेंशन हो जाए, चलिए बताओ वो कौन सी होगी है। तो वो अनंत 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 बंधु ही वो दिन निरंतर बनती रहेगी और जब तक साथ रहोगे तब तक बनती रहेगी, वो फिर कहां जाओगे, सांप और नेवला बन के जन्म लोगे और जितने भाव, कितने भाव, जितने मिनट जितने सेकंड तुमने वो कसाय बांधी है उतने भाव सांप नेवला बन के यानी विरोधी पर्याय में जन्म लेके कि वो बिल्ली बनेगी तो तुम चूहा बनोगे, हाँ वो सर बनेगी तो तुम नेवला बनोगे, तो ऐसी पर्याय में 50 ऐसे नहीं, एक तो भाव नहीं, जितने साल का संयोग, जितने दिन जितने मिनट निकले वो ऐसे अनंत अनंत भाव एक साल बन जाएंगे और जब भी जन्म लोगे वो तुम्हें मारेगी और तुम उसे मारोगे, मारते काटते रहोगे और जीवन ऐसा ही, लेकिन तत्व विचार नहीं करोगे कि अरे भैया पुण्य पाप का उदय है, जैसा संयोग मिलना था वैसा है, प्रेम से रहो, प्रेम से बोलो और आनंद में रहो, ये नहीं कर पाओ, सही है कि नहीं, सही बता, सही बता, मानी कसाई को कर्मों से हार रहे कि जीत रहे, हार रहे कर्मों से, और आज भी भाई हार नहीं है ना, नहीं, नहीं हार तो मानो ना, लख गली जिने, अरे कितने कर्म दे हो उनका लक्ष्य छोड़ो, बाहर में मुझे कोई सुखी दुखी कर सकता नहीं, समता भाव से वितरा भाव से अपने पुण्य पाप को स्वीकार करो, देखो तारण स्वामी क्या कहते हैं, इस संयोग में बीच में रहते हुए, इस कर्म धारा के बीच में रहते हुए जिने लखी, अपने जिन स्वभाव को लखो, अपने चैतन्य स्वभाव को लखो तो क्या होगा, जिने अति कम सहा, तो तुम इन कर्मों को जीत लोगे और स्वयं जिनेन्द्र हो जाओगे, जिनेन्द्र होने की सामर्थ्य प्रकट हो जाएगी, जीतोगे, कब जीतोगे, कब जीतोगे, हाँ जब इस वीतराग जिन स्वभाव को अंतरात्मा को अपने लक्ष्य में अभिप्राय में लोगे तब जीतोगे, अभिप्राय में नहीं लोगे और लड़ते भिड़ते कसाय बांधते रहोगे पक्का है, तो शर्त नहीं लगी जोड़ी तो बन नहीं, चाहे वो भाई भाई के बीच में हो, चाहे वो पड़ोसी के बीच में हो, चाहे वो नौकर के बीच में हो, चाहे नौकरानी के बीच में हो, चाहे वो बच्चे के बीच में हो, चाहे किसी सास बहू का उदाहरण है, जितने भी संयोगों में हमारे देश का साय निरंतर चल रही है उसका परिणाम भाव यही। अब यदि मरना हो आपस में लड़ते हुए एक दूसरे को काट के मार के मरना हो कोई बात ही नहीं, मरो कोई दिक्कत नहीं, और नहीं मरना यदि ऐसे सोचते हो कि हम इन कर्मों के भय से मुक्त हो जाए, कर्मों को जीत के जिनेन्द्र हो जाए, हम मुक्त हो जाए इन प्रपंचों से, संसार के झूठे प्रपंचों से, हमारा आत्मा छूट जाए, यदि ऐसा चाहते हो तो देखो कारण समय क्या कहते हैं, भय विनाश भव जो भाव, भय छोड़ो,
है विनाशु है भब भय छोड़ो भब्बू है विनाशु भब्बू है भब अब तुम भय का विनाश करो तुम भब हो तुम भय का विनाश करो और जू मुनहु तो मान लो क्या कि मेरा वीतराग तत्व ही परम सुखी है मैं तो तीन लोक में ज्ञाता निष्ठा भगवान आत्मा ही हूँ और इन पर्याय प्रपंचों से मेरी चेतना का कोई संबंध नहीं है तुम तो मान लो भव्य हो तो साधु पद को धारण करने की तैयारी करो समता भाव में रहने की तैयारी करो मुनहु मान लो कि सुख तो वीतरागता में ही है भव्य हो एका विनाश करो और क्या करो हम ये ममल स्वभाव अमृत में ममल स्वभाव अपना जायत का सपने अंतर में है इस अमृत रसायन का रसपान करो इस शाश्वत सुख में डूबो अपनी ध्रुव चेतना को अंतर अनुभव से स्वीकार करो तो तुम इस संसार के जन्म मरण के बंधन से छूट जाओगे कर्मों को जीत लोगे और इस लोक में दिग्विजेता होके अरिहंत पद को प्राप्त कर लोगे कौन 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 बाप जी अपन तो बाप भाई है कौन 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 जीतेगा दम है थोड़ी बहुत आज भोजन वो नाश्ता वास्ता करके आए कि नहीं आए नहीं आए दूध मूध पी के आए कि नहीं आए बादाम बादाम खा के आए सभी कि नहीं आए अखरोट मकरोट बादाम बादाम दूध मूध पी के आए कि नहीं बता जल्दी पी के आए कि नहीं आए नहीं आए क्या मंदिर भैया हम खाली पेट आते हैं दम मम नहीं रहती दूध मूध नहीं पी के आप नाश्ता वास्ता नहीं करके आप थोड़ी दम वम नहीं रहती अब कैसे बोलते भैया कच्चे खा पी के आते थोड़ी चार छह बादाम खाई होती चार छह अखरोट खाई होती थोड़ा बहुत नाश्ता करके आते तो आपकी बात में थोड़ी दम से दम भी मारते कि हाँ हम अपने भैया भूखे पेट आए हैं कच्चे खाओ पियो है नहीं अब दम कहाँ से मारे सही है कि नहीं बताओ ना बेसे भूखे पेट आए अब 50 मिनट से आप ना जाने काका सुना रहे बड़ी हालत खराब है कहने लगे यहाँ भूख लग रही है तो तुम कह रहे हो कि ममल स्वभाव तो कहना यहाँ पेट में चूहे कूद रहे हैं हजारों चूहे एक साथ पेट में कूद रहे तो तुम कह रहे हो कि कहो कि मैं भगवान आत्मा हूँ कहाँ से कर लूं इन चूहों का क्या करें अरे तो हम तो कह रहे हैं तुम प्रवचन सुनने आने के पहले बढ़िया दो चार पराठे खा के आया करो अरे हम का कह रहे हैं ये बात सुनो ए तुम्हें यहाँ तत्व चर्चा में थोड़ी एनर्जी नहीं रहती तो भूखे आवे से कछु फायदा नहीं है चार छह बादाम दस बारह अखरोट और 15-20 मुनक्का मंदिर आने के पहले अच्छे से खा के आओ करो ताकत बनी रहे तो थोड़ी ताकत बनी रहे थोड़ी हिम्मत बनी रहे और यहाँ आके कम से कम भगवान की वाणी सुन के कम से कम ये तो कह पाओ कि हम इस मोक्ष मार्ग को ग्रहण करेंगे हम रत्नत्रय को अंगीकार करेंगे थोड़ी ताकत लेके आया करो बादाम बादाम खा के का करें का करें वो आत्मा की ताकत तो समझ में आ नहीं रही ना भगवान की वाणी चिल्ला चिल्ला के कह रहा है ये भव्य आत्मा तारण तरण स्वभाव लई तारण तरण स्वभाव को ले लो यहाँ भगवान कह रहे हैं भय विनाशु भय को छोड़ो भवजु मनो हे भव तो मान लो क्या मान ले कि अमी मम स्वभाव कि अपना ममल स्वभाव तो अमृत रस से भरा हुआ है यहाँ भगवान कह रहे हैं लेकिन पूछ रहे हैं भैया कौन 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 तो एक आध का चेहरे नहीं दिख रहा कि नहीं हम ही हम जा रहे हैं भैया कि हम तो जा रहे सिद्ध से हमारा टिकट पक्का है तो ऐसा लग रहा है कि नाश्ता मास्ता करके नहीं आए तो दिमाग विमाग काम नहीं कर रहा
वो उपयोग भूख में लग रहा हो, प्यास में लग रहा हो, तो इसलिए अच्छा बढ़िया पानी पी के आया करो, रासुक पानी पी आया करो दो चार गिलास, और नीचे फ्रेश होके आया करो और थोड़ी बादाम बादाम खा के आया करो। काय के लाजे, काय के लिए है? अरे जिनयति कम साव, अरे भव्य आत्मा इन कर्मों को जीतना है, इनसे डरे रहोगे दबे रहोगे इनसे भयभीत रहोगे तो इन कर्मों से तीन काल में जीत सकते नहीं। इन कर्मों को जीतने का उपाय है भय विनाशु, क्या उपाय है? अपने अंतर के भय का विनाश करके भव्य मैं आत्मा भव्य हूं जूना हूं, अपने वीतराग स्वभाव को मान लेना, अपने गायक स्वभाव को स्वीकार कर लेना। क्या स्वीकार कर लेना? कि अमी मम सहाव, मेरा स्वभाव कैसा है? अमृत रसायन से भरा हुआ ममल स्वभाव है, जिसमें अतीन्द्रिय परम आनंद के अलावा और कुछ नहीं है। ऐसी शक्ति लेके आया करो भगवान जी। जब तक कर्मों से डरे रहोगे तो तारण समय कह रहे जिन्यति कम सहाव, इन कर्मों को जीत नहीं पाओगे। जब तक डरे रहोगे भयभीत रहोगे घबराते रहोगे और मन वचन काय पे भूख प्यास पे दृष्टि बनी रहेगी, तब तक आत्मदृष्टि नहीं होगी। बढ़िया खा पी के आओ, बढ़िया बहुमान करो तो कछु पुण्य भी मिल जाए, और यदि यहाँ बैठे हो और उपयोग भूख पे लगा रहा तो पाप आश्रव होगा। हमारा विज्ञान ही उल्टा चलता है, इसलिए भूखे आने से अच्छा कछु खा के आ जाओ, लेकिन उपयोग यहाँ रखना चाहिए। कह रही ना अभी सही कह रहे कि नहीं, फिर हमने तो पानी भी नहीं पिया है ना। क्रियाओं पर अटूट विश्वास है, आत्मा पे नहीं। यहाँ अपने आत्मा के बल पे अपनी चेतनता के बल पे अटूट विश्वास नहीं है। नहीं, यदि मुझे अपने अंतर आत्मा का अनुभव हो रहा है, यदि मुझे अपने शरीर से भिन्न इस गायक तत्व की अनुभूति हो रही है, यदि मुझे अंतर ज्ञान का बल बढ़ रहा है, तो शरीर के क्रिया से कुछ होने वाला नहीं। खाने पीने से साधना का कोई संबंध नहीं। यदि आत्मा का बल बढ़ रहा है तो ज्ञान का बल बढ़ रहा है तो, और यदि यहाँ बैठ के भी मन का लगा हुआ है कि तू का रखो है, सीटी आई होगी कि नहीं आई होगी, तो काय का बल बढ़ रहा है? पाप का बल बढ़ रहा है भगवान जी, अशुभ कर्मों का आश्रय हो रहा है। और यदि यहाँ बैठ के अशुभ कर्मों का आश्रय करोगे तो पुण्य कहाँ बांधोगे? कहाँ बांधोगे? यदि यहाँ बैठ के अशुभ कर्म बांधोगे तो पुण्य कहाँ बांधोगे? यहाँ तो पर की चिंता छोड़ो, यहाँ तो संयोग की चिंता छोड़ो। और तारण स्वामी भव्य कह रहे हैं, कौन किसको कहता है? आचार्य तारण स्वामी क्या कह रहे हैं? भय विनाशु, हे भव्य आत्मा, अंतर मन से भय का सहकार करना छोड़ दो। भव्य क्यों छोड़ दे? क्योंकि तुम भव्य हो, भगवान की वाणी सुन रहे हो, भगवान की वाणी को स्वीकार कर रहे हो, तो तुम भव्य हो, इसलिए तुम भय का सहकार करना छोड़ दो। जू मुना हूं, अरे जू हे भव्य, प्रेम से कह रहे हैं, मुनाहु मान लो। क्या मान लो तारा स्वामी? अमी मम स्वभाव, कि तुम्हारे अंतर में जो तुम्हारा आत्मा है वो अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर में अनंत सुख का भंडार है। इस आत्मा को स्वीकार करोगे, अपनी ओर दृष्टि लगाओगे और पापों का त्याग करोगे, संसार की रुचि छोड़ोगे, तो ही इस जीव को मुक्ति की प्राप्ति होगी। थोड़ा सा आत्मा का बल जगेगा तो मुक्ति की प्राप्ति होगी, और अंतर आत्मा का बल नहीं जगेगा और बाहर के प्रपंच में लगे रहोगे तो मुक्ति मुक्ति चिल्लाते रह जाओगे, मोक्ष मिलने वाला। मोक्ष मिलेगा अंतर आत्मा के बल से, न खावे से न पीने से न छोड़ने से न पकड़ने से, न त्याग से मुक्ति मिलेगी और ना ग्रहण करने से मुक्ति मिलेगी। पर को ग्रहण करोगे तब तक तो मुक्ति मिलेगी नहीं। भाई तुम ये सोचो कि मैंने सब छोड़ दिया, तो भैया तुम्हारा था ही नहीं तो तुमने छोड़ा क्या? तो इसलिए ना त्याग से मिलेगी और ना ग्रहण करने से मिलेगी, मुक्ति तो मिलेगी जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे वस्तु स्वभाव को स्वीकार करने से। सर्व भगवान की वाणी को हृदय से स्वीकार करोगे
स्वाध्याय चिंतन मनन में उपयोग लगाएंगे और स्वपर भेद विज्ञान को प्रकट करेंगे तो मुक्ति तो अपने आश्रय से ही मिलेगी, अन्य किसी आश्रय से मुक्ति मिलने वाली नहीं। ऐसी बात हम स्वीकार करें तो हमारे जीवन से जन्म मरण का अभाव हो, ऐसा ही श्री गुरुदेव का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर शत्रुवर संत तारण तरण शैवजी महाराज सर्वज्ञ जनेन परमात्मा की अमृत मई शुद्ध जिन देशना की भगवान महावीर स्वामी की जय। नमस्ते। चन्द्र आनंद